हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस को, जो कि होंगे सीडीपी के, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे स्पेशली फॉर सीटेट। तो ये पूरा 30 क्वेश्चंस का सेट रहेगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। पूरे हफ्ते जो आप लोग लाइव सेशन में डिस्कस करते हैं उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप लोग के लिए एक मॉक टेस्ट की तरह ये काम करेगा। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आप कितने ठीक कर पाते हैं ये आप देखें, लाइव चैट में रिप्लाई करें साथ के साथ। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरे 30 क्वेश्चंस को देखें, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन एजुकेशन डैश इज यूज टू मेक इन्फेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब शिक्षा के अंदर किसको इस्तेमाल किया जाता है अनुमान लगाने के लिए, लर्निंग मतलब की अधिगम और विकास के बारे में अनुमान लगाने के लिए शिक्षा में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इवेल्युएशन का, असेसमेंट का, मेजरमेंट का या डायग्नोसिस का? खुद सोचें आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। तो बिल्कुल असेसमेंट इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बात हो रही है अनुमान लगाने की, किसके बारे में, लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में। अगर मेजरमेंट के बारे में, ग्रेडिंग के बारे में बात होती तब हम मेजरमेंट और इवेल्युएशन की बात करते, मतलब क्वांटिटी की अगर बात होती। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हुआ, अनुमान लगाने की बात करें लर्निंग और डेवलपमेंट की तो असेसमेंट का इस्तेमाल हम करेंगे, आकलन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, An assessment that is conducted prior to the start of teaching or instruction is called। एक ऐसा आकलन जो आपकी टीचिंग सेशन के स्टार्ट होने से पहले या इंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होने से पहले किया जाए उसको क्या कहेंगे? इनिशियल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर सबमेटिव असेसमेंट। तो आंसर क्या होना चाहिए फिर से सोचें, ऐसा असेसमेंट जो आपकी एक टीचिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले हो इसको इनिशियल असेसमेंट कहेंगे, जो अराउंड 30 मिनट या बहुत ही कम समय का होता है एक इंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले। आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज, एन असेसमेंट इज डैश इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव द सेम रिजल्ट विद द सेम और सिमिलर स्टूडेंट्स। एक आकलन बेसिकली क्या है या कैसा आकलन कहलाएगा यदि वो कंसिस्टेंटली बार बार सेम रिजल्ट देता है सेम स्टूडेंट्स पर, वैलिड कहलाएगा, इनवैलिड कहलाएगा, रिलायबल कहलाएगा या अनरिलायबल कहलाएगा। तो बिल्कुल आपका वो दोस्त जो हमेशा आपके काम पढ़ने पर, आपकी जरूरत होने पर आ जाता हो, रिलायबल मतलब कि सेम स्टूडेंट्स के साथ जितनी भी बार आप क्वेश्चन को चेक करेंगे, जितनी भी बार इस टेस्ट को देंगे सेम रिजल्ट आएंगे, तो रिलायबल मतलब विश्वसनीय है टेस्ट। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। ये कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन थे 3-4 जो इंपॉर्टेंट थे लेने, क्योंकि असेसमेंट से एक क्वेश्चन जरूर आता है। असेसमेंट इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट क्या है? जजमेंटल, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड या बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो अगर हम बात करें असेसमेंट की तो असेसमेंट का आंसर होगा प्रोसेस ओरिएंटेड। एक प्रोसेस ओरिएंटेड है जिसको आप सीखने को, लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका आप। तो आकलन क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड है। और अगर इवेल्युएशन की बात होती तो दोनों आ जाता उसमें। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द सोशल एक्सपेक्टेशन फॉर एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज। भाई सोशल एक्सपेक्टेशन मतलब सामाजिक एक एक्सपेक्टेशन है, आशा है हर एक स्टेज के लिए, जो विकास की हर एक अवस्था है उसमें सोशल एक्सपेक्टेशन क्या कहलाएगी? डेवलपमेंटल ट्यून्स कहलाएगी, डेवलपमेंटल टाइप्स कहलाएगी, डेवलपमेंटल टास्क कहलाएगी या डेवलपमेंटल हजार्ड्स कहलाएगी। भाई सोशल एक्सपेक्टेशन एज के हिसाब से डेवलपमेंट की डेवलपमेंटल टास्क कहलाती है। ऐसे टास्क जो अवस्थाओं के हिसाब से विभाजित होते हैं, जैसे भाई 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है तो इतने शब्द बोलना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा। तो जो अलग अलग टास्क हैं विकास के वो सोशल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से या स्टेज के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं डेवलपमेंटल टास्क में। हैविंग हर्स्ट ने इसकी बात की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, होवर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस। बेसिकली जो होवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि सिद्धांत है, वो किस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है, जोर देता है? जनरल इंटेलिजेंस पर, कॉमन एबिलिटी रिक्वायर्ड इन स्कूल, द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल या कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। तो होवर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि सिद्धांत है, उसमें 8 बुद्धि के सिद्धांत बताए हैं इन्होंने, काइंस्थेटिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, नेचुरल, इस तरह की कुछ 8 बुद्धि बताई है इन्होंने। कहा है कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यक्ति बुद्धिमान हो सकते हैं, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हुआ, द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल के बारे में इन्होंने बात की है, जो अलग सी कुछ एक यूनिक एबिलिटी हर व्यक्ति में होगी उसको बुद्धिमान कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी। इनमें से कौन सी एक क्लास को, कौन से एक्सेप्शन को एक्सेप्शनल कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा? स्लो लर्नर्स को, गिफ्टेड, रिटार्डेड लर्नर्स या नॉर्मल?
खुद सोचे आंसर क्या होगा. यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, तो आंसर होगा यहाँ पर नॉर्मल. जो नॉर्मल है, जो साधारण है, वो कभी भी एक्सेप्शनल नहीं होगा, वो कभी भी स्पेशल नहीं होगा. तो ध्यान रखें, अगर हम इसकी बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन में कुछ टर्म्स की बात करें, तो एक्सेप्शनल लगा दे या स्पेशल एजुकेशन लगा दे, तो इसमें क्या है बेसिकली, या डिफरेंटली एबल्ड की तो बात करें तो वो तो एक डिफरेंट चीज हो जाती है. लेकिन एक्सेप्शनल या स्पेशल चाइल्ड का मतलब है स्लो भी हो सकता है, गिफ्टेड भी हो सकता है, रिटार्डेड भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो है 90 से 110 वाला, वो नॉर्मल रहेगा, वो एक्सेप्शनल में नहीं आएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. द क्वेश्चन, विल द शाय चाइल्ड हु नेवर स्पीक्स टर्न इनटू अ क्वाइट शाय अडल्ट, और विल द चाइल्ड बिकम अ सोशियबल टॉकेटिव पर्सन, इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल इशू. मतलब कि एक क्वेश्चन है कि एक बच्चा है जो बचपन में शर्मीला है, जो किसी से बात नहीं करता, शांत रहना पसंद करता है, लेकिन बड़े होकर के एक अडल्ट में कन्वर्ट होगा, एक सामाजिक अडल्ट बनेगा, सोशियबल बनेगा, टॉकेटिव पर्सन बनेगा, या फिर शाय रह जाएगा. ये जो डेवलपमेंटल इशू है, ये जो विकासात्मक एक तरह का चैलेंज है, किससे संबंधित है? मैच्यूरेशन पर डिपेंड करेगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी पर, कल्चरल यूनिवर्सल्स एंड कल्चरल रिलेटिविज्म पर, या फिर नेचर एंड नर्चर पर. तो बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा क्या आपका, नेचर एंड नर्चर, मतलब कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पर डिपेंड करेगा. जो बच्चा है वो आगे जाकर के सोशियबल पर्सन बनेगा या क्वाइट ही रह जाएगा. अगर उसको एनवायरमेंट मिलता है जहां पर उसको सोसाइटी में बोलने का मौका दिया जाए, खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, तो हो सकता है जो बचपन में शायद था वो बड़ा होकर के टॉकेटिव बन जाए, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है. तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जिसको हम नेचर कहते हैं हेरिडिटी को और नर्चर कहते हैं एनवायरमेंट को. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. When did NCTE as a statutory body came into existence? तो जो आपका National Council for Teacher Education है, ये अपने आप में एक अलग autonomous body की तरह कब काम करना शुरू किया इसने? पहले ये NCERT के अंडर आता था, अलग कब से हुआ? 1995 से, 1973 से, 1971 से, या 2005 से? तो इसका आंसर क्या होगा, खुद सोचें. आंसर होगा यहाँ पर 1995, मतलब 1995 से अलग काम करना शुरू किया, और NCERT के तहत ये 1973 में ही बन गया था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. गिफ्टेड स्टूडेंट्स मे बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विद. जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, विलक्षण बुद्धि छात्र हैं, जिनका जो आईक्यू है मिनिमम 120 प्लस है, तो ये जो विलक्षण बुद्धि छात्र या गिफ्टेड जिनको हम कह रहे हैं, इनको किस तरह के क्वेश्चंस पर टाइम स्पेंड करना चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना चाहिए? जहां पर रिमेम्बरिंग से संबंधित प्रॉब्लम हो, अंडरस्टैंडिंग से संबंधित, एनालाइजिंग, या फिर क्रिएटिंग. तो अगर हम बात करें ब्लूम की टैक्सोनॉमी की, तो यहाँ पर क्रिएटिंग जो सिंथेसाइजिंग हाईएस्ट लेवल है, अगर हम बात करें रिवाइज्ड जो आपकी टैक्सोनॉमी है, तो जो गिफ्टेड बच्चा है उसको कुछ क्रिएट करने पर, सिंथेसाइज करने पर जोर देना चाहिए. डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ, क्रिएटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर टाइम स्पेंड करेगा गिफ्टेड चाइल्ड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, पुनर्बलन क्या है? बेसिकली आप बढ़ावा देते हैं किसी भी एक्ट को, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की हम बात करें, नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें, तो देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर. फर्स्ट ऑप्शन इज एनी कॉन्सिक्वेंस वेयर समथिंग प्लेजरेबल इज एडेड. कोई भी कॉन्सिक्वेंस जहां पर भी प्लेजरेबल थिंग को एड कर दिया गया हो, या फिर एनी कॉन्सिक्वेंस वेयर समथिंग अनप्लेजेंट इज टेकन अवे, किसी अनप्लेजेंट चीज को हटा लिया गया हो, या फिर कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस जहां पर कुछ प्लेजेंट थिंग को हटा लिया गया हो, या फिर एनी कॉन्सिक्वेंस वेयर समथिंग अनप्लेजरेबल इज एडेड. तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है बेसिकली, जब आप किसी एक अनप्लेजेंट चीज को हटा लेते हैं एनवायरमेंट से, उसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. टॉय एज रेफर्स टू. जो टॉय एज है या खिलौना आयु है, वो कौन से एज ग्रुप को कहेंगे? अर्ली चाइल्डहुड को, लेटर चाइल्डहुड को, इन्फेंसी को, या अडल्टहुड को? खुद सोचें इसका आंसर क्या होगा. टॉय एज होती है बेसिकली आपकी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड. तो जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हुआ, 2 to 6 ईयर्स की जो एज है इसको हम कह सकते हैं आफ्टर इन्फेंसी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ दीज इज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस. इनमें से कौन सा एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब कि अनैच्छिक उद्दीपक है जिस पर आपका कंट्रोल ना हो? फूड है, या नेचुरल भी कह सकते हैं इसको, फूड है, लाउड नॉइज है, शॉक है, या ऑल ऑफ दीज? तो कौन सा स्टिमुलस ऐसा है जिस पर आप प्रतिक्रिया को रोक नहीं सकते, अनकंडीशनड होगा, नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा जिस पर? तो फूड हो, लाउड नॉइज हो जिससे हम डर जाते हैं, चाहे शॉक हो, क्योंकि हमारे अंदर तीन इमोशंस बचपन से हैं, फियर, एंगर और लव, जिसकी बात की है वॉटसन ने, तो ये फॉल तो है ही. तो इसमें बेसिकली ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा. सारे के सारे अनकंडीशन स्टिमुलस हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, अनैच्छिक उद्दीपक हैं जिनसे प्रतिक्रिया आएगी ही आएगी. खाना होगा तो हमारी जो लार है, सेलिवेशन है, वो आएगा. लाउड नॉइज से डर भी सकते हैं, शॉक से भी डर सकते हैं. तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14.
What term is given to the finding that a response is reduced if it is no longer strengthened? मतलब कौन से टर्म का आप इस्तेमाल करेंगे यदि आपने पाया कि कोई रिस्पॉन्स खत्म होता जा रहा है, यदि आपने उसको स्ट्रेंथ नहीं किया, उसको रीइन्फोर्स नहीं किया, बार बार उसको यूज नहीं किया. एक्सटेंशन कहलाएगा, अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहलाएगा, या फिर कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाएगा. तो यहां पर क्या आंसर होगा, खुद सोचें एक सेकेंड के लिए. आंसर होगा यहां पर एक्सटेंशन, मतलब विलुप्तीकरण हो रहा है. अगर कोई रिस्पॉन्स धीरे धीरे गायब होता जा रहा है किसी एक वजह से जिसमें आप स्ट्रेंथन नहीं कर पा रहे, उसको स्टिमुलस को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे उसके सामने, तो रिस्पॉन्स जो है वो गायब हो रहा है, विलुप्त हो रहा है. तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है. ये है बेसिकली पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से क्वेश्चन. अगर आप चाहें तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके वो थ्योरी को देख लें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जितने भी टर्म्स हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. Difficulty in recalling sequence of letters in words and frequent loss of visual memories associated with. मतलब कि आपको कठिनाई होती है words के sequence को, basically letters के sequence को recall करने में. मतलब मान लीजिए यहाँ पे war लिखा है, या एक simple उदाहरण लेते हैं, was लिखा है, तो बच्चे को इसका जो sequence है कि W पहले था, S पहले था या A पहले था, ये याद करने में जब दिक्कत हो रही है, visual memory वो 100 याद कर रहा है was को, मतलब उसको विजुअल मेमोरी को रिकॉग्नाइज करने में, रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है. तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, अफेजिया है, या ऑटिज्म है? तो बिल्कुल आंसर होगा डिसलेक्सिया. पठन संबंधी विकार है, बच्चों को देखने में दिक्कत हो रही है और रिकॉल नहीं कर पा रहा कैसा पैटर्न था, कौन से लेटर के बाद क्या आता था. ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. सुपर ईगो स्टेज अकर्स एट द एज ऑफ वॉट? 1 to 3 years, 3 to 6 years, 6 to 9 years, या 9 to 12 years. जो परा अहम है, अगर फ्रॉइड की थ्योरी की बात करें, साइको सेक्सुअल थ्योरी की, तो इसमें अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेज पर सुपर ईगो बच्चे में डेवलप हो जाती है? सुपर ईगो आ जाती है आपका 3 से 6 वर्ष की अवस्था में. 3 से 6 वर्ष की अवस्था में सुपर ईगो आ जाएगा, और सुपर ईगो काम करता है बेसिकली आपका जो इद है उसको भी कंट्रोल करता है और ईगो को भी बैलेंस में लाता है, या कहें तो सुपर ईगो मॉरलिटी की बात करता है. अगर हम कहें तो ईगो दोनों को बीच में रेफरी का काम करेगा. तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ. 3 से 6 वर्ष में इद जो है बचपन से होता है, और जो ईगो है वो आपका 1.5 साल के बाद पनपता है, या कहें तो डेवलप होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज कॉल्ड द टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लव? स्वयं प्रेम की, या कहें तो खुद से ही प्यार करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है? सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी है, ईगोइस्टिक टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ नार्सिसिज्म है, या टेंडेंसी ऑफ हिप्नोटिज्म है? खुद सोचें, हमने बहुत बार डिस्कस किया है सेल्फ लव, या खुद के ही प्रेम में पागल, या कहें तो हम खुद को ही सेंटर में रख के देखते हैं. तो ये टेंडेंसी ऑफ नार्सिसिज्म कहते हैं इसको, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होगी ऐसे लोगों की जो खुद के ही प्रेम में पागल हुए रहते हैं. सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. इन मॉरल डेवलपमेंट द प्री कन्वेंशनल स्टेज अकर्स ड्यूरिंग द एज लिमिट ऑफ वॉट? मतलब जो नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं कोलबर्ग की, जिसमें 3 उन्होंने लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दी हैं, तो इसमें प्री कन्वेंशनल जो फर्स्ट लेवल है जिसकी 2 स्टेजेस हैं, कौन सी एज ग्रुप के लिए है ये प्री कन्वेंशनल लेवल? 2 से 7 वर्ष की अवस्था, 3 से 7 वर्ष की अवस्था, 6 से 12 वर्ष, या 5 से 10 वर्ष? तो बिल्कुल ये जो है आपका लेटर चाइल्डहुड पीरियड है, 5 से 10 वर्ष की अवस्था है जो आपका प्री कन्वेंशनल पीरियड है, 5 to 10 years. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. भाई पर्यावरण के कौन से वो कारक हैं जो आपके विकास को शेप देते हैं, इनमें से कौन सा एक कारक नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है. तो ये क्वेश्चन सही से पढ़ना बहुत जरूरी है. कौन सा एक कारक है जो एनवायरमेंट से संबंधित नहीं है? कल्चर है, फिजिक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, या क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन है? तो आंसर यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल आंसर है, एनवायरमेंट से संबंधित फिजिक नहीं हो सकती, हेरिडिटी से आती है फिजिक. आपकी हाइट, आपके आंखों का कलर, आपके बालों का कलर, ये सब आपकी हेरिडिटी से, आपके अनुवांशिकता से आते हैं. तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ. संस्कृति हो, एजुकेशन की क्वालिटी हो, न्यूट्रिशन की क्वालिटी हो, खाना कैसा मिलेगा, ये सब आपके एनवायरमेंट से आता है. तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है. अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट किसके बराबर होता है, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट के. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. इमोशन इज ओरिजिनेटेड थ्रू वॉट? जो आपका इमोशन है, संवेग है, वो कहां से निकलता है, ओरिजिनेट होता है, बनता है? तो हैबिट्स के थ्रू, इंस्टिंक्ट्स के थ्रू, फिजिकल डेवलपमेंट के थ्रू, या फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू? खुद सोचें यहां पर आंसर क्या होगा. तो बिल्कुल जो इमोशन है वो ओरिजिनेट होता है इंस्टिंक्ट से, और इंस्टिंक्टिव जो थ्योरी है आपकी एक मैकडूगल की, उसमें 14 टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स की उन्होंने बात की है. बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. विच ग्रुप इज कॉल्ड गैंग एज? गैंग एज किस एज ग्रुप को कहते हैं? इन्फेंसी को, अर्ली चाइल्डहुड को, लेटर चाइल्डहुड को, या अडोलेसेंस को?
तो बिल्कुल गैंग एज की अगर हम बात करें तो लेटर चाइल्डहुड पीरियड को हम गैंग एज कहते हैं, 7 से 11 वर्ष की अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी कहा है प्याजे ने। तो ये ध्यान में रखें, गैंग एज स्टैंड फॉर लेटर चाइल्डहुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग इंसिस्ट्स ऑन, जो थॉर्नडाइक का अधिगम का नियम है वो किस पर ज्यादा ध्यान देता है, रिटेंशन पर, रिपीटिशन पर, अटेंशन पर या रीइंफोर्समेंट पर। तो थॉर्नडाइक के 3 मुख्य लॉ हैं, जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की है। तो इसमें अगर हम बात करें, इन चारों में से देखें आंसर, तो सिर्फ रिपीटिशन या लॉ ऑफ प्रैक्टिस है जिसकी बात की है, इंसिस्ट किया है थॉर्नडाइक ने कि जितना ज्यादा आप अभ्यास करते हैं उतना बेहतर आप सीखते हैं। इसके अंदर लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी आता है, जिस चीज को आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर होगा, जिस चीज को आप जितना कम इस्तेमाल करेंगे लर्निंग उतनी कमजोर होगी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ, लॉ ऑफ रिपीटिशन या लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, लोकस ऑफ कंट्रोल इज इंटरनल इन, जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, सेंटर जो है कंट्रोल का, वो आंतरिक कब होगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में, क्लासिकल कंडीशनिंग में या ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो बिल्कुल लोकस ऑफ कंट्रोल या सेंटर जो है आपके कंट्रोल का वो इंटरनल होगा, आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब कि आंतरिक अभिप्रेरणा में, जो आपकी अंदर से होती है, बाहरी कारकों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ, इसको पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहते हैं क्योंकि ये आंतरिक है, किसी रिवॉर्ड की वजह से नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन अ टीचर कंसीडर्स बॉयज एज नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स देन गर्ल्स, इट शोज दैट द टीचर इज, जब एक टीचर लड़कों को ये कहता है कि ये तो प्राकृतिक रूप से नेचुरली अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में गर्ल्स से और गर्ल्स कमजोर होती है मैथ्स में, तो ये टीचर क्या दिखाना चाहता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट माइंडेड, मतलब सही दिमाग है, सही सोचता है, एथिकल है, जेंडर बायस्ड है या मॉरलिस्टिक है। तो यदि टीचर बेसिकली बिना किसी लॉजिक के या इस बेसिस पर कह देता है कि जो लड़के हैं वो अच्छे होंगे मैथ्स में लड़कियों से, तो ये सीधा सीधा जेंडर विभेद है, मतलब कि लिंग विभेदता है, जेंडर बायस्ड है, टीचर इक्वालिटी की कमी है उसकी नजरों में, और ऐसा एक टीचर को कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा, दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू, मतलब हम सभी अपनी बुद्धि में, अपनी अभिप्रेरणा में और अपने इंटरेस्ट में डिफरेंट होते हैं, ये विकास का कौन सा प्रिंसिपल है, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। तो बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नियम है कि हम सभी, हर एक व्यक्ति दिखने में, सोचने में, मोटिवेशन के लेवल में, इंटरेस्ट में, बुद्धि में अलग होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ, इसका कारण आपकी हेरिडिटी और आपका एनवायरमेंट ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मल्टी डायमेंशनल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय हूम, तो मल्टी डायमेंशनल थियरी किसने दी है, गार्डनर ने, थर्स्टन ने, थॉर्नडाइक ने या स्टर्नबर्ग ने। तो थर्स्टन का सिद्धांत है पीएमए का, जिसमें उन्होंने मल्टी डायमेंशनल थ्योरी की बात की है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ, लुईस थर्स्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इन अ नॉर्मल जायगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पेयर इज, एक जायगोट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का पेयर जो है वो कितना होगा, 22, 23, 24 या नन ऑफ दीज। तो पेयर की बात की है तो आंसर होगा 23, और अगर बात करता है नॉर्मल नंबर की बिना पेयर के तो 46 होता। तो जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, और जो 23rd लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि इससे ही निर्धारित होता है कि बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सब्जेक्टिव थॉट सॉल्यूशंस आर गिवन इंपॉर्टेंस अंडर व्हाट, जो सब्जेक्टिव थॉट है मतलब कि अलग अलग होंगे, मल्टीपल सॉल्यूशंस को इंपॉर्टेंस किसमें दी जाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में, कन्वर्जेंट थिंकिंग में, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में या क्रिटिकल थिंकिंग में। तो जो सब्जेक्टिव थॉट मतलब अलग अलग सॉल्यूशंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो दी जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग में, अपसारी चिंतन में, जहां पर आप अलग अलग दिशाओं पर सोचते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस पर सोचते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हेरिडिटी इज अ एन, मतलब हेरिडिटी क्या है, अनुवांशिकता क्या है, एक डायनेमिक फैक्टर है मतलब परिवर्तनशील है, फ्लेक्सिबल होती है, स्टैटिक होती है, नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल हेरिडिटी फिक्स्ड है, मतलब कि स्टैटिक है, जो कभी नहीं बदलती, जैसे स्टैटिक होती है आपकी जीके, जो कभी नहीं बदलती, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है तो वो दिल्ली रहेगी, स्टैटिक जीके है। तो हेरिडिटी क्या है, एक स्टैटिक फैक्टर है, एक बार जो जीन्स आपको मिल गए, जो आपको बेसिकली आपकी जीन्स जो मिली है, जो क्रोमोसोम है या जो भी आपका बनना था वो आप एक बार बन चुके हैं, हेरिडिटी आपको एक बार ही मिलती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आज के लिए लास्ट, फाइन मोटर स्किल्स इंक्लूड, जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट इज साइकिलिंग, सेकंड इज राइटिंग,
थर्ड इज जंपिंग एंड फोर्थ वन इज रनिंग. फाइन मोटर स्किल्स जिनमें आपकी छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन इस्तेमाल होता है, तो ये आएगा यहाँ पर आंसर राइटिंग. जो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल होती है एक, और दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल. ग्रॉस मतलब बड़ी मसल जिसमें साइकिल चलाने जैसे कि बड़ी जो लेग की मसल है उसका इस्तेमाल होता है. जंपिंग में भी बड़ी मसल का इस्तेमाल होता है, आप लेग से, हैंड से, पूरी आर्म से. रनिंग में भी सेम बात है, लेकिन राइटिंग में आपकी छोटी छोटी जो फिंगर की मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल होता है. ड्राइंग में भी आपकी फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल होता है. तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ. आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो, ये पूरा सेट है वो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार देख रहे थे तो. इस तरह के संडे को टेस्ट हम करते रहेंगे और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विद आंसर्स. थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. दिस वॉज Himanshi साइनिंग ऑफ. अपने विचार कॉमेंट सेक्शन में बताएं. धन्यवाद.